हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं अनु गुप्ता और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक अच्छी एक छोटी सी रेसिपी। सामने देख के आपको लगेगी अगर अंदाज़ा कि आज मैं किसकी रेसिपी शेयर कर रही हूं। आज मैं बनाऊंगी मैगी, वो भी अपने एक देसी स्टाइल से, जिसमें मैंने लिया है ये शिमला मिर्च, आधी ये शिमला मिर्च है और ये आधी प्याज है और थोड़े से मटर है, बट लेकिन मटर मैंने बॉईल ले करे हैं, ये बॉईल मटर है तो इसलिए आप भी इनको बॉईल कर सकते हैं एक सीटी लगा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी मैगी की, कि मैं मैगी किस तरीके से बनाती हूँ। सभी को आती है बट बहुत सिंपल तरीके से मैं आपके साथ ही शेयर करूँगी। और ये जो पैकेट्स हैं तो इन पैकेट्स के साथ मैं आज मैगी बनाऊँगी। लेंगे हम ये की कढ़ाई और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें डालेंगे हम प्याज और साथ ही में डाल देंगे शिमला मिर्च, क्योंकि प्याज और शिमला मिर्च हमारी कच्ची है तो उसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। तेल ये थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें ये प्याज डाल देती हूँ। और साथ ही में मैं इसके लिए डाल दूंगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और प्याज आप अपने तरीके से भी काट सकते हैं, जैसा कि आपको काटनी हो। अब हम इसमें हल्का सा डाल देंगे नमक, ताकि ये दोनों जो सब्जियां हैं खासकर शिमला मिर्च, ये ताकि पक जाए। अभी ये हम चला लेंगे। इन्हें कम से कम 5 मिनट के लिए, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसे ढक के रख दीजिए, मैंने थोड़ी देर बोला, लेकिन इन्हें से 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल धीमे कर दीजिए, मीडियम से भी नीचे जी हाँ। और जो प्याज थी मतलब शिमला मिर्च और ये पक गए हैं तो इनमें अब मैं डालूंगी 2 गिलास पानी। इसमें मैंने डाला है ये 2 गिलास पानी। और इनमें अब एक उबाल आने देंगे, ताकि जब उबाल आ जाएगा उसमें मैं डालूंगी मैगी। और गैस को तेज कर दीजिए ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। ये जो मैगी है इनको आपको ऐसे फ्रेक कर लेना है, ज़्यादा नहीं तोड़नी वरना फिर लंबी लंबी नहीं बन पाएंगी। इनको थोड़ा सा फ्रेक करके रख लीजिए पहले से, और सैशे वगैरह मैगी के मैंने खोल के रख दिए। और मटर आपको डालिए आखिर में, जब पानी और मैगी बिल्कुल रेडी हो जाए तब आप मटर डालिएगा। बॉईल आ चुका है, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ मैगी। तो ये 2 पैकेट मैगी है जो मैंने तोड़ दी थी और मैं अब इसे इसमें डाल दूंगी और फिर हम इसे थोड़ा सा चला देंगे। अब इसका पकने का वेट करते हैं ताकि पानी और मैगी पके, और इसको मैं ढक दूंगी। ये मैंने ढक दिया है और मीडियम फ्लेम पर ही है मेरी गैस, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं तेज पे या मीडियम पर, लेकिन सिम नहीं करना। अब आप देख रहे होंगे कि ये मैगी थोड़ी सी बन गई है, तो मैं इसी में अब ये जो सारे मैगी के मसाले हैं वो मैं डाल देती हूँ, सैचे जो है 2 पैकेट। एक्स्ट्रा कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ यही 2 मसाले होते हैं जो पैकेट में निकलते हैं, मतलब एक पैकेट में एक सैचे, आपको यही ऐड करना है खाली। अब मैं ये सेकंड वाला ऐड कर रही हूँ। अब इनको कर दूंगी मैं मिक्स। अब इनको बस पानी सूखने का इनका वेट करना है, तो इनका वेट करते हैं पानी सूखने का। ये थोड़ी सी बन गई है, मतलब थोड़ी सी कसर रह गई है 2-3 मिनट की, तो इसमें अब मैं ये जो मटर है वो मैं ये ऐड कर दूंगी।
कि गर्मा गर्म मैगी मेरी रेडी हो चुकी है। और इसमें आप कोई सी भी सब्जी ऐड कर सकते हैं जो आपकी पसंदीदा हो। जो मेरे पास अभी फ़िलहाल सब्जियां रखी थी, शिमला मिर्च, मटर और प्याज, मैंने इनसे ही ये बनाया है। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी है। शेयर भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना ढेर सारा प्यार अनु गुप्ता ब्लॉग के साथ बनाए रखिएगा। फिर मिलूंगी अगली नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।